अभी अभी क्या सच में ऐश्वर्या अभिषेक बच्चन को देने जा रही हैं तलाक, जाने क्या है पूरा मामला। बॉलीवुड की मशहूर जोड़ियों में से एक है अभिषेक व ऐश्वर्या। इन्हें परफेक्ट कपल के रूप में माना जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऐश्वर्या राय बॉलीवुड की एक कामयाब अभिनेत्री रह चुकी हैं और आज भी फिल्मों में कई मौके ऐश्वर्या को मिलते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि फिल्मों में भले ही ऐश का करियर अच्छा रहा है, लेकिन उनके वैवाहिक जीवन की खबरों को सुनकर तो यही लग रहा है कि वो सफल नहीं हो पाया है। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने ऐश्वर्या को अपनी बहू बनाने से पहले उसके मंगल दोष निवारण के लिए पूजा अर्चना कराई थी। कई तीर्थों पर सपरिवार गए थे। लगता है कि पूजा से मंगलवार दोष कुछ समय के लिए ही दब तो गया, लेकिन समाप्त नहीं हो सका। दरअसल खबरें आ रही है कि ऐश्वर्या और अभिषेक के बीच काफी झगड़े हो रहे हैं और यही कारण है कि ऐश्वर्या राय जल्द ही अपने पति अभिषेक बच्चन से तलाक लेने वाली हैं। वैसे इन खबरों के बाद भी अभी हाल ही में अमिताभ बच्चन, बहू ऐश्वर्या और पोती आराध्या सभी एक साथ बंगले से बाहर आकर अपने फैंस से रूबरू हुए, लेकिन फिर भी ऐश्वर्या और अभिषेक के तलाक की खबरें सुर्खियों में है। इतना ही नहीं, इस तलाक की वजह जानकर लोग और हैरान हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि ऐश्वर्या और अभिषेक के झगड़े की वजह कोई और नहीं बल्कि जया बच्चन है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि बंगले के बाहर अमिताभ बच्चन, बहू ऐश्वर्या और पोती आराध्या एक साथ नजर आए, तो के साथ जया बच्चन उनके साथ मौजूद नहीं थी। इस मौके पर जया बच्चन की गैर मौजूदगी के चलते सोशल मीडिया पर खबर फैल गई कि जया बच्चन ही ऐश और अभिषेक के तलाक की वजह बन गई है। सवाल तो ये बनता है कि एक नहीं बल्कि कई बार बच्चन परिवार के बहू और बेटे को लेकर ऐसी खबरों को हवा कौन दे रहा है, क्योंकि आए दिन कभी ऐश्वर्या अभिषेक के बीच झगड़े की खबर आती है, तो कभी सास जया और ऐश्वर्या के बीच मनमुटाव की खबरें सामने आती हैं, और अब तो ये इतनी बढ़ गई कि तलाक तक की खबरें सामने आने लगी और वजह भी जया बच्चन को बताया जा रहा है। फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बच्चन परिवार ने इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की है। जया बच्चन की वजह से ही ऐश्वर्या और अभिषेक तलाक लेने वाले हैं और साथ ही बच्चन परिवार ने इस तरह की खबरों को अफवाह करार दिया है।